झारखंड से जुड़ी टॉप फाइव न्यूज लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए करते हैं पहली शुरुआत। झारखंड से जुड़ी टॉप फाइव न्यूज की पहली खबर, पूजा सिंघल इस समय जेल में बंद है, लेकिन उन्हें लेकर अब भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल राम विनोद सिन्हा और अभिषेक झा और पूजा सिंघल के बीच जेल में नियमों की अनदेखी करते बातचीत कराई गई है। जेल के भीतर मौजूद सीसीटीवी में इन तीनों का वीडियो कैद होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी खबर, ईडी के शिकंजे में आने के बाद प्रेम प्रकाश ने कई अहम खुलासे किए हैं। वैसे ईडी को प्रेम प्रकाश ने क्या क्या जानकारी दी है ये स्पष्ट नहीं है सका के, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार ईडी को काली कमाई अवैध भुगतान के संबंध में कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी है। खबर तीन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धूल विरोधी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर एक ट्वीट से सनसनी मचा दी है। इस बार सांसद ने बांग्लादेश कनेक्शन ढूंढ निकाला है। इसके मुताबिक इस मामले में एनआईए को अहम सुराग हाथ लगे हैं और इसकी जांच की जा रही है। खबर चार, ईडी ने पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नगर निगम के दो इंजीनियरों और एक बिल्डर से पूछताछ की है। नोटिस मिलने के बाद रांची नगर निगम की टाउन प्लानिंग शाखा के जूनियर इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव और विवेक कुमार ईडी कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा बिल्डर विमल कुमार उर्फ मिट्टू पांड्या भी ईडी कार्यालय पहुंचे और उनसे यहां पल्स अस्पताल को लेकर पूछताछ की गई। खबर पाँच, ईडी के शिकंजे में फंसे उद्योग सचिव पूजा सिंघल के जेल जाने से कई काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं। आपको बताते चले कि पूजा सिंघल जियाडा की प्रबंध निदेशक थी, इसलिए जियाडा ने कई बड़े और आवश्यक मामलों में निर्णय नहीं लिया जा सक रहा है। यही वजह है कि लगभग 55 करोड़ का काम ठप हो गया है।